हेलो दोस्तों, आपका मेरी चैनल मनभावन रसोई में स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ लौकी के कुरकुरे चटपटे फुले फुले पकौड़े, जो बहुत ही आसानी से मात्र 10 मिनट में बन जाते हैं। लौकी के पकौड़े को आप किसी भी व्रत उपवास में बना के खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करें। लौकी के पकौड़े बनाने के लिए हम एक पतली सी लौकी लेंगे जिसमें बीज ना हो, इस बात का खास ध्यान रखें। उसे छील के और बढ़िया से धुल लेंगे। तो यहाँ पे लौकी को छील के हम धुल लिए, अब इसके पतले पतले इस तरह से स्लाइस काटेंगे। बहुत ही आसानी से हो जाता है। अगर इस तरह से आप न कर पाए तो जिससे हम चिप्स काटते हैं उससे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे स्लाइस को हम काट के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, सारे हम लौकी के स्लाइस को काट के चाकू से तैयार कर लिए हैं। अब एक प्लेट लेंगे और प्लेट के ऊपर हम लौकी के स्लाइस जो काटे थे उसे रख लेंगे। तो यहाँ पे एक प्लेट पे सारे लौकी के स्लाइस को हम रख लिए हैं। अब हम एक घोल तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम एक कटोरी सिंघाड़े का आटा ले रहे हैं। आप अपने आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं, ज्यादा या कम। आप सिंघाड़े के आटे की जगह कुट्टू के भी आटे का यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम सूखी लाल मिर्च कुटी हुई डालेंगे। इससे पकौड़े देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। इसी के साथ इसमें अब हम एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। यहाँ पे हम सेंधा नमक का यूज कर रहे हैं क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं, तो आप अपने टेस्ट के अनुसार सेंधा नमक ले लें। यहाँ पे कुटी हुई हरी मिर्च का हम यूज कर रहे हैं, तो एक छोटा चम्मच डाल रहे हैं। आप ज़्यादा या कम अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। अब इसमें हम बारीक कटी हुई हरी धनिया डालेंगे और सारी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से ड्राई ही मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे ड्राई ही हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लिए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे, तो एक साथ पानी न डालें। और इसका हमें एक गाढ़ा घोल बना के तैयार करना है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक गाढ़ा घोल बना के हम तैयार कर लिए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पास से दिखाते हैं कि कुछ इस तरह का घोल हमें बनाना है। तो ये घोल बनके हमारा तैयार है और जैसा कि देख पा रहे हैं, इसी तरह से गाढ़ा घोल बना के हमें तैयार करना है। इधर हमने कढ़ाई में तेल रख दिया था गर्म होने के लिए पकौड़ों को फ्राई करने के लिए, तो हम मूंगफली के तेल का यूज कर रहे हैं। व्रत में आप जो तेल खाते हो उसका यूज कर सकते हैं। अब हम जो लौकी के स्लाइस काट के रखे थे उसे इस तरह से घोल में डिप करेंगे और जो तेल हमने गर्म होने के लिए रखा था वो अच्छे से गर्म हो गए और इस तरह से डालते जाएंगे। तो हम यहाँ पे कांटे वाले चम्मच का यूज कर रहे हैं, इससे बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, हाथ में नहीं लगते हैं और एक एक करके पकौड़ों को डाल देंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखे हैं। तो यहाँ पे पकौड़ों को हम डाल दिए और जब तक एक तरफ से लाइट गोल्डन कलर न हो जाए तब तक हम इसे नहीं पलटेंगे। तो ये देखिए, एक तरफ से लाइट गोल्डन कलर हो चुके थे, तब हम पकौड़ों को पलट लेंगे। तो यहाँ पे पकौड़ों को पलट लिए हम एक तरफ से, दूसरे तरफ से भी एक बढ़िया सा लाइट गोल्डन कलर होने देंगे। और ये देखिए कि पकौड़े कितने फूले फूले बन रहे हैं। सारे के सारे पकौड़े बहुत ही बढ़िया से फूल रहे हैं। पकौड़े को हम दूसरी तरफ से पलट लिए हैं और इसे बीच में इसी तरह से एक से दो बार उलटते पलटते हम फ्राई करेंगे, जिससे अंदर से लौकी कच्ची न रह जाए। तो यहाँ पे पकौड़े के बहुत ही बढ़िया कलर आ चुके हैं, पकौड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तब इसे हम तेल से बाहर निकाल लेंगे और बचे हुए पकौड़े को हम इसी प्रोसेस से फ्राई करके तैयार करेंगे। तो बचे हुए पकौड़े को भी हम डाल के फ्राई कर लेते हैं। लौकी के सारे पकौड़े को फ्राई करके हमने तैयार कर लिया है और इसे हमने सर्व किया है धनिया टमाटर की हरी चटनी के साथ। ये देखिए कि व्रत के कितने टेस्टी पकौड़े बनके हमारे तैयार हो गए हैं, वो भी बहुत आसानी से। एक बार इसकी आवाज़ सुनिए कि कितने कुरकुरे पकौड़े बने हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। आप इस लौकी के पकौड़े को इस नवरात्रि में या फिर किसी भी व्रत उपवास में बना के खा सकते हैं। एक बार बनाएंगे तो हर व्रत उपवास में यही पकौड़े बना के खाना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आपको थोड़े भी हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम मिलते हैं आप सभी के लिए एक नई रेसिपी लेके अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी नवरात्रि।